स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज देश भर की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं मोदी सरकार के बड़े फैसलों के बारे में, मोदी सरकार के बड़े ऐलान के बारे में। तो आप सभी से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आज की बड़ी खबर में आपको बता दी कि आज सोने के दाम शिखर पर पहुंच चुके हैं। सोने की कीमत वकायदा सराफा बाजार के अंदर 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी है। अगली खबर में आपको बता दें कि देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 12,000 के पार हो चुकी है और अलग अलग राज्यों के अंदर भी कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कुल आंकड़ा 525, अरुणाचल में सिर्फ एक केस, असम में 33 मामले सामने आए हैं, बिहार में अब तक 70 मामले आ चुके हैं, चंडीगढ़ में आंकड़ा 21 का है, छत्तीसगढ़ में महामारी की संख्या 33 है, वहीं दिल्ली के अंदर आंकड़ा 1518 व्यक्ति पहुंच चुका है। वहीं अगर उत्तर गोवा की बात की जाए तो 7 मामले सामने आए, गुजरात में 766, हरियाणा में आंकड़ा 200 के पार कर गया है, वहीं हिमाचल में 35, जम्मू कश्मीर में 300, झारखंड में 28, कर्नाटक में 289, केरल में 388 एंड उधर लद्दाख में 17, मध्य प्रदेश के अंदर 63 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, 987 मामले सामने आए हैं। वहीं पे अलग अलग जिलों के अंदर राजस्थान के अंदर भी मामले काफी ज्यादा मात्रा में आए गए हैं। अगली खबर में आपको बता दें कि भारत में कोरोना अपना रूप बदल रहा है। आपको बता दें कि वैक्सीन की खोज को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि वैक्सीन के अंदर सफलता नहीं मिल पा रही है। अगली खबर में आपको बता दें कि हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कोरोना पॉजिटिव उन पे मोहर लगाई गई है। अगली खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन से 5 लाख रेस्तरां बंद, 70 लाख रोजगार लोग हो चुके हैं, 5 लाख रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। अगली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और डॉक्टरों पर हमला करने वाली लगेगी एनएसए, उपद्रव से होगी नुकसान की भरपाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और डॉक्टरों पर हमला किया गया, जिसको लेके एनएसए लगाई जाएगी और उपद्रवियों पे नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। अगली खबर में आपको बता दें कि आजाद खान के वीडियो पर बड़ा बवाल मचा। आजाद खान ने थोड़ा भड़काऊ वीडियो जारी किया, जिसके लेके मुंबई पुलिस ने अरेस्ट आजाद खान ट्वीट किया गया। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि रंगोली चंदला ने मुसलमानों को गोली से उड़ाने की बात कही, ट्विटर ने अकाउंट ही उड़ा दिया। आपको बता दें कि रंगोली चंदला का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है और मुसलमानों को गोली से उड़ाने की बात उन्होंने कही थी। अगली खबर में आपको बता दें कि कोरोना से देश के अंदर पीड़ितों की संख्या 12,000 के पार कर चुकी है और अलग अलग राज्यों के अंदर मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, एप्पल ने अपना नया फोन आईफोन SE 2020 को मार्केट में उतार दिया है। आईफोन SE 4.7 इंच डिस्प्ले के साथ व लेटेस्ट फीचर के साथ, आईफोन 11 के लेटेस्ट फीचर के साथ, वाटर रेजिस्टेंस के साथ मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। अगली खबर में आपको बता दें कि पंजाब में अस्पताल की खिड़की तोड़कर एक कोरोना मरीज भागने का मामला भी सामने आया है। वहीं पे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गंभीर आरोप लगाया है चाइना पे, चीन को बचाने के लिए कोरोना को छूने से फैलने की बात छुपाई। आपको बता दें कि इसको लेकर WHO पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अमेरिका ने WHO की फंडिंग को बंद कर दिया है। अगली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना से 6,506 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 124 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी हां, आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरों के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।